नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलपीडिया 360 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जर्नी हो रही है पुणे की एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर की ओर, और वहीं रास्ते में मिला हमें ये सनसेट पॉइंट। ये जगह 360 में भी आप देख सकते हैं। बेटर एक्सपीरियंस के लिए VR यूज़ करके या फिर कीबोर्ड की कीज AWSD को यूज़ करके आप वीडियो को ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब ऐप में ईजिली देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में हम जानेंगे जो सामने आप रिवर देख रहे हैं इस नदी के बारे में, और साथ ही आप इंजॉय करते रहिए यहाँ सनसेट भी। थोड़ी सी गंदगी ज़रूर है यहाँ पर, जो ऑब्वियसली यहाँ आने वाले टूरिस्ट की वजह से हुई है। मैं अपील करूँगा सभी लोगों से कि ऐसी किसी भी जगह पर आप जाएँ तो गंदगी ना ही फैलाएँ। तो चलिए जानते हैं इस रिवर के बारे में। सामने जो आप नदी देख रहे हैं, इसे भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत होती है भीमाशंकर मंदिर से, जो कि पुणे में स्थित है, और साउथ ईस्ट में बहते हुए इसका एंड होता है कर्नाटका की कृष्णा नदी में। आप यहां स्क्रॉल करके मैप में भीमा नदी की ओरिजिन और एंड देख सकते हैं इजीली। 861 किलोमीटर लंबी ये नदी भारत के 3 राज्यों में पानी पहुँचाती है, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र। भीमा नदी पर लगभग 22 बांध यानी कि डैम बने हुए हैं। हम आपको उसमें से एक डैम भी दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी भीमा नदी के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे और 360 में देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर मंदिर को। तो ट्यून रहिएगा ट्रैवलपीडिया 360 चैनल से। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।